ये सीधा सा सवाल कहना चाहता हूँ हमारा कानून मंत्री किरण रिजिजू से, आपको पेमा खांडू चाहिए ना अरुणाचल का आम जनता को चाहिए, बस उसको आप किसी भी लोकल मीडिया से भी या तो आपका ट्वीट में भी आप रिप्लाई करें, आप पेमा खांडू चाहिए ना अरुणाचल जनता से। आज आपका पार्टी काफी बदनाम हो रहा है, मैंने कल देखा है औरत पार्टी लोग का, उसका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उसका कन्वेनर था क्या, अपॉइंटमेंट को आज सरेंडर करके सड़क में घूम रहा है, क्योंकि ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ये नहीं कहा है कि बीजेपी पार्टी हाथों, ये तो नहीं कहा है ना, बीजेपी का पार्टी का कहना है कि यहाँ लीडरशिप में ठीक नहीं, तो आपको पेमा खांडू को बचाने में आपका क्या इंटरेस्ट हो तो बता दो ना। धीरे धीरे ये अभी लोग सरेंडर करने लग रहे, कल को आपका प्रेसिडेंट भी सरेंडर ना हो जाए ऐसा नौबत आप रिजिजू बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम भी चाहता है आप भी कानून मंत्री हमेशा ही रहे हमारा प्रदेश से, और हमारा ऐसे ही कैबिनेट आप मिनिस्टर बैठिए, ये हम लोग चाहता है कि नहीं, आप लोग नहीं चाहता है क्या, हम लोग सब चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उसको आप कार्रवाई नहीं करने का चक्कर में आपका पार्टी 2024 में गिर जाए, तो आप नहीं चाहता होगा, इसलिए अगर आम जनता को